उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में झोला छाप डॉक्टर का इलाज एक विधवा महिला को भारी पड़ गया। दरअसल पैर का इलाज कराने गई महिला को डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद महिला के पैर में इंफेक्शन फैल गया, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर द्वारा महिला के ऊपर 30,000 रुपए देकर सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं महिला ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पाली को उक्त प्रकरण में कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। हम डॉक्टर के पास, हमारे इसमें दांत था, उसमें दांत दिखाने गए तो उसने इसमें सुई लगा दी, सुई लगाई तो उसके बाद इसे धीरे धीरे पकने लगा तो उसके पास गए तो उसने गाली गलौज की तो उसके बाद ही तो इलाज इसने नहीं की, भगा दिया, गाली भी दी। इलाज इसने कहीं मंगनोए ता जा तुम्हारा, तो हमें मुझे नहीं पता है चाहे गले या रहे या कटे, ये सारा कुछ उसने बोला हमसे। तो हमने कहा ठीक है, तो हम चले आए। उसके बाद फिर गए दोबारा, जो दोबारा गए तो हम कहे इसका अब इसका कौन कहा करेगा, इसका कौन पैसा कहाँ से लगेगा, हम तो गरीब आदमी बेसहारा है, हिम्मत कोई है भी नहीं। पैर में गला लग गया था, पैर में गला लग गया, नस भी गल गई, चार अंगूर नस गल गई। तो उसके बाद उससे बोला कहीं मुझे नहीं पता है, कहीं भी भाग जाओ, हमारी दुकान से भाग जाओ। गाली गलौज खूब की उसने, मुझे बताओ हम बेसहारा अब कहाँ जाते। उनका नाम क्या? पंकज। कहाँ पे है क्लिनिक इनका? एक लोका में बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं नकासे वाली पुलिया पे। दो क्लिनिक चलाते? दो हाँ, सुबह शाम लोका में बैठते हैं और दोपहर को यहाँ पुलिया पे बैठते हैं, अभी बैठे हैं। तो आपको जानकारी कैसे हुई इनके बारे में? जानकारी हमें नहीं भी, ये जाकर भी डॉक्टर हैं, दवाई देते हैं, अच्छे हैं। बादी जो बगैर सुई लगाई तो बादी ये लगा, फिर बाद की मैंने जानकारी की तब कहीं वो तो झोरा छाप ऐसे ही हैं, फर्जी डॉक्टर हैं, ऐसे देते हैं दवाई। तो आपने इसकी शिकायत थाने पर की? शिकायत थाने पर सुनी नहीं, उसको पैसा ऐसा दे दे तो उनको वहाँ से कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या चाहती हैं आप? हम जो चाहते हैं हमारा जितना पैसा लगा है उतना पैसा दे दे, हम नाइत में फिर ऊपर जाएंगे। कितना खर्चा आया लगभग आपके इलाज में? हमारे लगभग आया है 25,000।